हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो आज हम अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल बैम्बू मिशन। तो ये मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैम्बू के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है। बैम्बू रिसेंटली जो है, जो फॉरेस्ट एक्ट है हमारा, उसके अंदर बैम्बू को जो नॉन फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ पर ट्री की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी न्यूज़ में है। तो नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो 2006 और 2007 के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, ठीक है, और इसके अंडर 4 मेजर एरिया में फोकस करना था। अब मिशन है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एरियाज होते हैं। तो एक तो रिसर्च डेवलपमेंट करनी थी, मतलब नए जो बैम्बू की स्पीसीज हैं उनको उगाने के लिए नर्सरीज वगैरह बनानी थी, प्लांटेशन की डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हैंडीक्राफ्ट जो होता है, मार्केटिंग, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड था। सिर्फ मतलब बैम्बू की प्लांटेशन ही नहीं करनी है आपने, न्यू वेराइटीज़ को फाउंड करना है, उसके बाद उसके जो मतलब बैम्बू से चीज़ें बनती हैं उनके लिए, उनके ऊपर फोकस करना है, फिर मार्केट क्रिएशन भी करनी है आपने बैम्बू के लिए। ठीक है, तो वो इसके मेन पर्पजेज थे। अगर क्वेश्चन में पूछ सीधा बोला जाए कि सिर्फ प्लांटेशन करनी थी, इसका ट्री कवर इंक्रीज़ करना था, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेनली नॉर्थ ईस्ट के अंदर उगाया जाता है इसको, काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हैं बैम्बू की। और इसके लिए जो मतलब हमारी अपेक्स लेवल पे कमेटी बनाई थी, वो था चेयरमैन उसका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये याद रखना बस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं जो अपेक्स बॉडी होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल बैम्बू सेल, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन बॉडी है उसमें याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है नेशनल बैम्बू मिशन। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जो कि मतलब मेनली यूनियन लिस्ट के ऊपर चलती है वो, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है उसको पूरा। ठीक है, और ये स्पॉन्सर्ड स्कीम, इनका फंड जो होता है शेयर किया होता है, और मेनली क्या होता है, ये जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर फोकस्ड होती है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या था प्रोविज़न में, जो अपने फॉरेस्ट मतलब बैम्बू वगैरह उगाने हैं वो फॉरेस्टेड एरिया में भी थे और नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी थे। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जैसे फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही उगाने थे? नहीं, ये दोनों के अंदर उगाने थे इन्होंने। ठीक है, और इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, मतलब हमने ट्राइबल वगैरह है उनकी हेल्प भी लेनी है, उनके साथ में कोलेबोरेशन करनी है। जो स्टेट की एजेंसीज होंगी, जैसे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज होंगी स्टेट की, वो कोलेबोरेशन करेंगी रूरल पीपल के साथ में, और बैम्बू उगाए जाएंगे फॉरेस्टेड एरिया और नॉन फॉरेस्टेड एरिया दोनों के ऊपर। ठीक है, और मेन फंक्शन वही सेम जो हमने पहले देखे, न्यू नर्सरीज बनाई जाएंगी, फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट दोनों एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आ सकता है आपके, जैसे फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट के बारे में। और सिर्फ इसमें मतलब अगर क्वेश्चन आए कि ओनली जो है मतलब ये उगाने के लिए, सिर्फ जो फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पे उगाने के लिए था ये, या सिर्फ जो बैम्बू की प्लांटेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए था, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये रिसर्च भी करेगा, नए जो प्लांट्स होंगे उनके ऊपर रिसर्च भी करेगा, और बैम्बू से जो बनेंगे हैंडीक्राफ्ट वगैरह उसको भी प्रमोट करेगा, और मार्केटिंग के लिए भी न्यू स्ट्रेटजी और न्यू मार्केट ढूंढने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा बैम्बू की। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने बिल पास करके बैम्बू को ट्री की श्रेणी से निकाल दिया है। ठीक है, इसको करंट अफेयर के अंदर कवर हो जाएगा आपका ये। फिर आता हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए, और किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए पर्टिकुलरली। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा जो दिल्ली रीजन के लिए बनाया हुआ, ये किस चीज़ के लिए है, ऑल ओवर इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर होते हैं उस टाइप में डिवाइड किया होना, मतलब छोटे छोटे जो इंडस्ट्री के क्लस्टर होते हैं, जैसे इसमें 43 ऐसे इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर ढूंढे हुए हैं, जैसे एक स्टेट के अंदर एक हो गया, दूसरी के अंदर दो हो गए, मतलब जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री हैं वो क्लस्टर बनाए, और उनको रेट किया जाएगा कि उनमें कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो एयर क्वालिटी जो हमारा एयर पॉल्यूशन को नापने के लिए दिल्ली के अंदर इंडेक्स है, उसी के मतलब सेम उसी की तरह है, लेकिन ये काफ़ी पहले बनाया गया था, और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, उनके अंडर आता है ये, और इसमें आपको क्राइटेरिया भी याद करने पड़ेंगे। ये भी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, विशाखापट्टनम को हाइएस्ट मतलब विशाखापट्टनम का जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको हाइएस्ट पॉल्यूटेड बताया था इस इंडेक्स ने। ठीक है, तो इसमें 0 से 100 तक रेटिंग होती है, 100 मतलब सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, 0 मतलब 0 पॉल्यूशन। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इसको मेनली इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि पॉल्यूशन के लिए मतलब ऐसे क्लस्टर बनाए हुए हैं, और उनको 43 ऐसे इंडस्ट्रियल के क्लस्टर बनाए हुए हैं, उनको रैंकिंग दे गई ये, और इसमें स्कोर देते 0 से 100 तक, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मोर देन अगर 70 होगा तो वो क्रिटिकली पॉल्यूटेड होगा, क्रिटिकली पॉल्यूटेड बताया गया विशाखापट्टनम को रिसेंट में जो न्यूज़ है, और 60 to 70 है वो सीवियरली पॉल्यूटेड है, और जो 60 से कम होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फिर आता लाइटनिंग अ बिलियन लाइव इनिशिएटिव, तो ये द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, तेरी इंस्टीट्यूट, उनके अंदर चलाया गया है लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स, मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एफिशिएंट तरीके से एनर्जी अवेलेबल करवाना उनकी लाइफ के लिए, ठीक है, जैसे उनको लाइटनिंग के लिए मतलब लैंप वगैरह देना या कोई और सोलर इक्विपमेंट देना उस तरीके से, या मतलब उनके जो चूल्हे वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं, उनकी हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट होता है लकड़ी की वजह से, तो उनको इलेक्ट्रिक चूल्हे देना, तो वो इसका मेन फंक्शन था लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ का, ठीक है। तो जो मतलब उनके इनएफिशिएंट और हार्मफुल लाइटनिंग और कुकिंग के मेथड थे उनको रिप्लेस करना है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं इनके अंदर क्या था मेनली, ठीक है। तो मेनली ये प्रोग्राम थे इसके अंदर में, जैसे हाउस होल्ड के लिए इल्यूमिनेशन के लिए क्या करेंगे, आपको बल्ब वगैरह देंगे, आपको नॉर्मल सा याद रखना है किसके अंडर है और काम क्या कर रहा है। तो इल्यूमिनेशन के लिए जैसे सोलर लैंटर्न्स, इनको दिया गया, इनको इतने ज़्यादा मतलब जितना यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड अबाउट मतलब 1,70,00,000 तक इनको प्लस बांटे गए ये सोलर जो लैंटर्न्स हैं, एंड सोलर एनर्जी के सिस्टम इंस्टॉल किए गए, माइक्रोग्रिड मतलब सोलर कनेक्शन दिए गए छोटे को, जो गरीब वगैरह होते हैं उनको अफोर्डेबल रूप में प्रोवाइड करवाए गए, और इन मतलब जो कुकिंग स्टोव होते हैं वो प्रोवाइड करवाए गए। तो ये आपको याद रखना, और दूसरी बात एक और याद रखनी कि ये ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड के अंदर जैसे 13 कंट्री के अंदर काम कर रहा है, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है तेरी के अंदर, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या है, ये मतलब ऐसा गवर्नमेंट की ब्रांच नहीं है कोई, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, मतलब एक तरीके से रिसर्च करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लिए भी और ग्लोबल साउथ के लिए भी। ग्लोबल साउथ मतलब जो गरीब डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, जैसे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ आ गई, अफ्रीका आ गया, ठीक है, इंडिया आ गया, उसके अंदर में जो साउथ की कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं अभी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं उनको, उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करेगा। ये कौन से एरिया के अंदर में, जैसे क्लीन एनर्जी के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट में नई नई चीज़ें खोजेगा और उनको बांटेगा फिर, और पॉल्यूशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलियंस, इन एरियाज़ के अंदर में काम करेगा, नई खोज करेगा और फिर बांटेगा इंडिया और ग्लोबल साउथ। मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम नहीं कर रहा, बाहर भी ये काम करेगा। 1974 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है, और UGC से ग्रांटेड है, मतलब एक तरीके से यूनिवर्सिटी है ये जो रिसर्च वगैरह करती है, साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो अब ये इनिशिएटिव ही निकाले तो ये इंडिया के अंदर भी है और बाहर जो भी है वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है 13 कंट्रीज़ के अंदर। फिर इसके अंदर इनिशिएटिव और भी हैं, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये समिट होती है, एक एनुअल समिट होती है, ये जो हम लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ पढ़ रहे हैं इसी के अंदर हो रहा है ये, ठीक है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है इसको भी कैरी आउट करता है ये, और एक लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ्स ये प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, और एक ग्रीन ओलंपियड होता है वो भी इनके द्वारा, ओलंपियड मतलब एक कंपटीशन करवाया जाता है एनवायरनमेंट के लिए, तो वो भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको तीन इनिशिएटिव के नाम पता होने चाहिए, तेरी के अंडर है ये, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। एक तो हमने पढ़ी रहा लाइटनिंग बिलियन, और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं ये, ग्रीन ओलंपियड कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता हमारा इको मार्क। तो इको मार्क क्या है, एक मार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क है, जो आपके प्रोडक्ट होंगे जो कि इकोसिस्टम के ऊपर कम इंपैक्ट कर रहे हैं उनको दिया जाएगा ये। जैसे ये हमारे दिख रहा है यहाँ पे इको मार्क है, इस तरीके का मार्क लगा होगा जो प्रोडक्ट जो है इकोसिस्टम के ऊपर कम इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ISI मार्क होता है क्वालिटी के लिए, वैसे इको मार्क है कि वो प्रोडक्ट जो है इकोनॉमी के लिए काफ़ी मतलब सस्टेनेबल तरीके से इसको बनाया गया, और इकोनॉमी जब भी मतलब इसको डिस्पोज किया जाएगा तो ये अच्छे से डिस्पोज हो जाएगा, तो इस तरीके का दिखेगा ये। और सर्टिफाई कौन करेगा इसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 1991 में इसको लेके आए थे, और ये BIS आपको याद रखना है। BIS किसके अंडर आता है, ये था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता हमारा अर्बन सर्विस एनवायरमेंटल रेटिंग सिस्टम। तो अर्बन एरिया के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, उनको रेट करना है, मतलब वो सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को रेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने चलाया हुआ है और इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको तेरी, जो हमने अभी पढ़ा द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। स्टैंडर्ड बताए जाएंगे इसमें, मतलब एक एनालिटिकल टूल डेवलप किए जाएंगे, स्टैंडर्ड तैयार किए जाएंगे, जो भी अर्बन एरिया के अंदर लोकल बॉडी जो वहाँ पे मतलब कोई भी काम कर रही है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का, वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट हैं, या कोई भी मतलब काम कर रही है, उसको अगर वो एनवायरनमेंट पे हार्मफुल है या नहीं उस चीज़ के लिए सर्वे किया जाएगा, मतलब रेट किया जाएगा उस सिस्टम को, जैसे रेटिंग दी जाएगी 0 से 10 तक रेटिंग दी जाएगी उस सिस्टम को। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट था, और इसको मतलब स्पॉन्सर किसने किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये रेटिंग सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है 2002 के अंदर, इसको डेवलप कर लिया था रेटिंग सिस्टम, अभी इस आधार पे रेट किया जाता है, जो हमारी अर्बन सर्विसेज होंगी उनको रेट किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जा रहा तेरी के द्वारा
द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमने देख लिया पीछे। फिर रहता बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इसके पर्पजेज एक तो पहले आपको देखना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी है, दूसरा करना है रूरल जो लिवलीहुड होता है उसको भी इंश्योर करना है। मतलब हमने रूरल पीपल हैं उनके साथ में जो गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेट करेगी और उनके लिवलीहुड में भी इंप्रूवमेंट लेके आएगी और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन भी करेगी। मतलब एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाएगी, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि लोकल जो पीपल हैं उनके साथ में फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो हैं कोलैबोरेट करेंगी, ठीक है। तो इसमें जो भी मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है किसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर में, जैसे नेशनल पार्क हो गया, कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे कंजर्वेशन की जाएगी बायोडाइवर्सिटी की और पार्टिसिपेशन एंश्योर की जाएगी जो कि लोकल पीपल होंगे। इससे फ़ायदा दोनों को होगा, बेनिफिट टू बोथ। एक तो कंजर्वेशन भी हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी की, जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का, और दूसरा जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिवलीहुड के लिए भी सपोर्ट मिलेगी उनको, उनको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए हेल्प मिलेगी उनको, ठीक है। वैसे उनको बाहर निकाल दिया जाता है एरिया से, उनके मतलब उनकी बातें नहीं सुनी जाती, कोई भी आपने प्लान चलाना है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए उनकी बातें नहीं सुनी जाती, लेकिन इस प्रोग्राम के अंडर उनको साथ में लेके काम कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि इनको भी पता होगा कि क्या काम चल रहा है कहाँ पे, और इनको थोड़ी सी छूट भी मिलेगी कि आप माइनर प्रोड्यूस हैं वो कौन से प्लेस से आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या करेंगे, एक मिशन न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के में एक मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो उसको फिर जो कंट्रीज़ में अदर साइट होंगी उनके ऊपर भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, तो ये 2011 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। क्लीन एनर्जी फंड मतलब क्लीन एनर्जी फंड है ये, ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना है, मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए फंड बनाया गया, और इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, कार्बन टैक्स लगाएंगे आप। मतलब कार्बन जो एक तो आपको पता ही है कार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस है, दूसरा क्या होगा जो प्रोडक्ट मतलब कार्बन वगैरह एमिट करते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जैसे कोल के ऊपर टैक्स लगाया गया है इसके अंदर। उससे जो पैसा आएगा उसको इस फंड के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो ये 2010 और 11 के अंदर क्रिएट किया गया था, और इसमें जो प्रोडक्शन होती है और इम्पोर्ट होता है कोल को उसके ऊपर सेस लगाया था। 2010 के अंदर सेस था 50 रुपये पर टन, और 2014 तक मतलब 2016 तक कर दिया गया था इसको 400 रुपये पर टन, और उससे इस पैसे को भरा जाता था, ठीक है। और ये नॉन लैप्सेबल था, मतलब लैप्स नहीं होता है, जैसे लैप्स का मतलब होता है कि आपको एक साल के लिए फंड दिया, आपने अगर यूटिलाइज नहीं किया उसको तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट साल के लिए आपको फिर से ग्रांट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये लैप्स नहीं होता, कंटिन्यू चला रहेगा। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाया था इसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर रही थी, मतलब मेन एजेंसी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है क्योंकि इसको मतलब ज़्यादा अप्लाई नहीं किया गया, इसके जो पैसे थे उनको खर्चा नहीं गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो न्यूज़ के अंदर रहता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको जो यूटिलाइज़ कैसे करना था, एक तो आपने एनर्जी को क्लीन करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो रीन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर इसको पैसे को यूटिलाइज़ करना था, ठीक है। जैसे आपने प्रोजेक्ट वगैरह लगाने, जैसे हमारी यहाँ पे स्कीम्स हैं, कोई भी जो पावर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, या कोई मतलब सोलर से सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की स्कीम है, जैसे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, इसके ऊपर इसके पैसे लगाए जाने थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या करना है, जो फ्यूल हमारा मतलब फ्यूल कितना ज़्यादा लगता है, हमारा कोल कितना ज़्यादा लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो उसी को कम करने के लिए मिशन चलाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, फ्यूल सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाएगा, कैसे, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा। हाइब्रिड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलें और डीजल से भी चलें, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे तो वो व्हीकल उनको प्रमोट किया जाएगा, तो उस काम के लिए इस मिशन को चलाया गया। और इसके अंदर एक स्कीम भी है जो इंपॉर्टेंट है, मिशन के बारे में तो पूछने के चांसेस कम है लेकिन इसके अंडर जो स्कीम है उसके बारे में पूछ सकते हैं। स्कीम का नाम है फेम इंडिया, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये 2020 तक लॉन्च की गई थी, मतलब 2020 के बाद हम काफ़ी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे मतलब इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक तो आपको बजट में कोई प्रोविज़न देके फिस्कल बेनिफिट दिए जाएंगे और कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाएंगे, कोई कंपनी वगैरह अगर ऐसे जो व्हीकल है इनको प्रोड्यूस कर रही है तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जाएंगे, उसको टैक्स में कंसेशन दी जाएगी ताकि ये जो व्हीकल होंगे सस्ते हो जाएं और सभी इनको खरीदें, ठीक है। तो फेम इंडिया स्कीम जो है हैवी इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर आती है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी के लिए कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें इंसेंटिव किया जाएगा, मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाएंगे और मार्केट मतलब एक तो आपको नॉर्मल सा अडॉप्शन के लिए कोई टेक्निक अडॉप्ट करनी है किसी ने, जैसे अगर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, HRTC वगैरह, या कोई स्टेट के
जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने अडॉप्ट करनी, तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे और मार्केट क्रिएशन के लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट है, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि 2030 तक हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने हैं 2030 के बाद हमें, तो उसको भी काम किया जाएगा फेम इंडिया स्कीम, तभी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, ठीक है। तो ये है हमारी फेम इंडिया स्कीम, और इसको इंपॉर्टेंट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखो व्हीकल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको अलग अलग टाइप के, तो सिर्फ पर्टिकुलर व्हीकल के लिए नहीं है कि सिर्फ बस के लिए, इसमें आपको बाइक वगैरह आपके ऑटो बसेस भी हैं, ट्रक भी हैं, जीप भी हैं, तो सब कुछ है इसके अंदर में, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल, तो एक साइंस एक्सप्रेस है, मतलब एक ट्रेन है, ठीक है, जिसके अंदर जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी और बच्चों को मतलब वहाँ पे एग्जीबिशन लगाया जाएगा साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल, तो ये साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल एक इनोवेटिव मोबाइल एग्जीबिशन है, मोबाइल मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगा और एग्जीबिशन है, कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एसी ट्रेन है, इसमें इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाएंगे, 2012 से स्टार्ट है ये, इसके फेज वाइज होता है ये, नेक्स्ट ईयर होता रहता है, 5 जून से 22 दिसंबर तक होता है, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पे मतलब एग्जीबिशन करवाए जाएंगे साइंस से रिलेटेड, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसी ट्रेन होगी ये, ठीक है। इसके अंदर आपको इस तरीके की फैसिलिटी दिखेंगी, अंदर एग्जीबिशन लगा होगा साइंस से रिलेटेड। फिर हमारा आता है एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने जो पीपल हैं ऑल मतलब किस हर लेवल के ऊपर, स्कूल से लेके नाइबरहुड या कोई और भी लेवल के ऊपर पीपल हैं, उनको हमने अंडरस्टैंड करवाना है रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन का रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, मतलब बेसिक बात है, उनको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना है हमने, तो उसके लिए लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये स्कीम, एनवायरनमेंट एजुकेशन, एनवायरनमेंट के प्रति एजुकेशन देनी है, बच्चों को अवेयर करना है और उनको ट्रेनिंग भी देनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रैलियाँ निकाल रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बच्चों को सिखा रहे हैं, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो वो काम है इसका। 1983 और 84 में इसको लॉन्च किया गया था, और सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको अवेयरनेस दिलवानी है इसके तहत। तो इसमें चार तरीके से काम किया जाता है, एक तो अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं, नेशनल ग्रीन कॉप्स बनाए गए हैं, सेमिनार करवाए जाते हैं, वर्कशॉप करवाई जाती हैं, और अदर अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं। तो इसमें बाकी तो नॉर्मल्स हैं, एक नेशनल ग्रीन कॉप्स है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है नेशनल ग्रीन कॉप्स। तो नेशनल ग्रीन कॉप्स मतलब एक तरीके से आपने संगठन बनाना है बच्चों का, स्कूली जो बच्चे हैं उनको साथ में लेके आना, उनका जैसे एनसीसी वगैरह होता है उसी तरीके से कॉप्स बनाने हैं उनके, और उनमें एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस जनरेट करनी है। और 2001-2 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, यंग जो चिल्ड्रन होंगे उनको एनवायरनमेंट के प्रति वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनके लिए एक ग्रुप्स बनाए जाएंगे उनके, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा काम में रहा, और इसके बाद जो डिफरेंट जो स्कूल होते हैं वहाँ पे इको क्लब बना दिए गए, डिफरेंट स्कूल में इको क्लब मतलब छोटे छोटे जैसे स्कूल होगा वहाँ पे क्लब्स बना दिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के, फिर कोलैबोरेशन हो गए उनकी पूरी नेशनल लेवल के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल कैडर बना दिया जाएगा, जैसे एनसीसी वगैरह के कैडर होते हैं उसी तरीके से नेशनल ग्रीन कॉप है, और वो मेनली क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। इको क्लब भी इसी के अंडर बनाए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के इको क्लब बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो एनवायरनमेंट जो एक्टिविटी हैं उनके लिए काम कर सकें वो। फिर नेक्स्ट आता ग्लोब प्रोग्राम, तो ग्लोब जो इनिशिएटिव है इसको पढ़ते हैं, और ये साइंस और एजुकेशन के लिए प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को चलाया गया था यूएसए की गवर्नमेंट ने 1995 के अंदर में, ठीक है। और इसका मेन आपका फोकस क्या था, जैसे इसको चलाया गया था 1994 के अंदर, यूएस गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया था, और उसके बाद डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने यूएसए के साथ में बायलेटरल एग्रीमेंट करने थे कि हमें भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना है। उसके बाद क्या करना था इसमें, मतलब बेसिकली क्या था इसमें, एक साइंस के लिए एजुकेशन प्रोग्राम है ये, वर्ल्ड वाइड साइंस के लिए एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें जो सभी कोलैबोरेशन होनी थी, जैसे स्टूडेंट होते हैं उनकी टीचर्स वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह, और भी कोई डिपार्टमेंट वगैरह जो कि इस काम को कर रहे हैं, वो सभी कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए प्रोग्राम था ये जो हमारा ग्लोब इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये एक साइंस और एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें क्या किया जाएगा, कोलैबोरेशन की जाएगी। किस किस की कोलैबोरेशन की जाएगी, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, सिटीजन हैं, वो सब साथ में आएंगे। इस प्रोग्राम का ये एम है कि सब साथ में आएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा इकोसिस्टम है उसके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसको एनहेंस किया जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की डाटा कलेक्शन की जाएगी, जैसे एक एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट कितना बड़ा है, हमारी जो अर्थ है पूरी, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एनवायरनमेंट अलग है। एयर पोल्यूशन के लिए मतलब जैसे अगर पोल्यूशन होता है एक प्लेस पे, तो डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन होंगे जिस एरिया के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे इंडिया के अंदर पोल्यूशन है, यूएसए के अंदर पोल्यूशन है,
यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पॉल्यूशन है, तो डिफरेंट टाइप होते हैं उनके, ठीक है। और डाटा भी आप कितना कलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे साइंटिस्ट वगैरह कोलैबोरेट करेंगे तो वो कितना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उतना मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, सभी स्टूडेंट, टीचर, साइंटिस्ट, सिटीजन सभी कोलैबोरेट कर रहे हैं और अपने अपने प्लेसेस से। जैसे मैंने बताया पहले यूएस गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसमें क्या करेंगे, जैसे इंडिया को अगर पार्ट लेना है तो इंडिया बायलेटरल एग्रीमेंट करेगा यूएसए के साथ में, ग्लोब इनिशिएटिव के अंदर यूएसए के साथ एग्रीमेंट कर दिया, फिर वो परमिट करेंगे हमें, फिर क्या करेंगे, हमारे जो स्कूल वगैरह होंगे गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी स्कूल को, वो स्कूल कोलैबोरेट कर सकते हैं ग्लोब से। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने आपका जो स्कूल है वहाँ पे जो टीचर वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा टीचर भी हैं, ट्रेन किए जाएंगे टीचर्स को, ठीक है। फिर टीचर ट्रेन हो गए, फिर आप अपने स्कूल से क्या भेजोगे, कोई सैंपल वगैरह भेजोगे, डाटा की कलेक्शन करोगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो वहाँ पे भेजोगे और वो वर्ल्ड लेवल पे जितने ज़्यादा मतलब कंट्रीज को कोलैबोरेट कर रही होंगी वो सभी उस डाटा को यूज़ करेंगे, ठीक है, उस डाटा को कोलैबोरेट करेंगे, साइंटिस्ट उससे कोई मीनिंगफुल मतलब नई चीज़ खोजने की कोशिश करेंगे, तो वो इसका मेन फंक्शन था, ठीक है। और एजुकेशन भी दी जाती है इसमें, जो हमारे टीचर वगैरह होंगे उनको एजुकेट किया जाएगा एनवायरमेंट के प्रति। नेक्स्ट आता मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव है IUCN और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा इन दोनों के बारे में। तो मेन फंक्शन, मेन करना क्या है इसने, इन्वेस्टमेंट करनी है कोस्टल इकोसिस्टम में, कोस्टल जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है कोस्ट में, जो मतलब वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ह्यूमन भी होंगे या कोई प्लांट वगैरह है, उन सब में इन्वेस्टमेंट करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है हमने, ठीक है। तो इसमें जो जो भी पार्टीज़ होंगी इस इनिशिएटिव की, ठीक है, मेनली कोस्टल कम्युनिटीज़ होंगी, जो पार्टीज़ होंगी इस इनिशिएटिव की वो क्या करेंगी, उनकी जो डिफरेंट एजेंसीज होंगी वो कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, और एड्रेस करेंगे कोस्टल इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जैसे सुनामी वगैरह आती है उसके तहत बनाया गया था इसको। मतलब हमने क्या करना, मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, मैंग्रोव जो है कोस्टल कम्युनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई सुनामी वगैरह आती, हरिकेन वगैरह, कोई भी मतलब इकोसिस्टम की प्रॉब्लम आती, मैंग्रोव उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सुनामी वगैरह की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि मैंग्रोव्स को बचाया जा सके, मतलब मेन इसका इनिशिएटिव है मैंग्रोव को बचाना, लेकिन और क्या क्या बचाएगा ये, कोरल रीफ मतलब जो सभी इकोसिस्टम के अंदर आएंगे, एस्चुरी, लैगून, सैंडी बीच, सी ग्रास, वेटलैंड, सभी जो हमारे यहाँ पे ट्रीज वगैरह आ रहे हैं या कोई भी इकोसिस्टम है कोस्टल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, मेन मैंग्रोव्स के लिए और इनको भी प्रोटेक्ट करेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है सिर्फ मैंग्रोव के लिए है ये मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी कोस्टल कम्युनिटी के अंदर में, जो जैसे हमारी कोस्टल कम्युनिटी होगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो पीपल होंगे उनके लिए भी स्किल वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट करवाई जाएगी इकोसिस्टम की, ठीक है। तो उसके लिए था ये, उसके लिए है मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर। तो आपको मेन बात याद रखनी कि इसके अंडर है ये, इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है, और एक और बात कि सिर्फ मैंग्रोव ही नहीं है इसके अंदर में, और भी कोरल रीफ, एस्चुरी, लैगून, सब कुछ है इसके अंदर में, ठीक है। और इसके अंदर इनिशियली कौन कौन से मेंबर थे, इनिशियली वो मेंबर थे जो कि सुनामी से हिट किए गए थे, 2004 की सुनामी के अंदर हिट किए गए थे, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, साइचेल्स, श्रीलंका, थाईलैंड, लेकिन रिसेंटली इसके अंदर बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, वियतनाम भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो कंट्री ग्रीन्स के अंदर दिख रही हैं वो इसके सब मेंबर हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आया कि ऑल ओवर पूरी कंट्रीज जो हैं जिनका कोस्ट लगता है वो मेंबर्स हैं इसके, तो वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा जो शंकर आईएएस की सीरीज़ है वो ख़त्म होती है आज। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था डिज़ायर आईएएस, जस्ट UPSC, वहाँ पे आप करंट अफेयर देख सकते हो इसके, ठीक है। थैंक यू।